हाय एवरीवन, आज हम गेहूं के आटे और अंडे से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। सुबह शाम कोई भी टाइम बना सकते हो। इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता है, मुँह में देते ही घुल जाए। आप चलिए देर किस बात की, इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल ले लिया है, 1 कप मैदा ले लेंगे, 1 कप ही गेहूँ का आटा मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला सा बेटर रेडी करेंगे। गेहूँ के आटे मिलाने से नाश्ता हमारी हेल्दी बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे। मिक्स कर लिया है, इस कप से 2 कप पानी मिलाया है। इसको कवर करके साइड में रख देंगे और आगे की प्रोसेस करते हैं। दूसरा बाउल ले लिया है, 2 अंडा ले लिया है। अंडा को हम तोड़ के डालें, बारीक कटी हुई हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, 1 प्याज, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 टमाटर, 1 खीरा, खीरा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच टमाटर सॉस मिलाएंगे। अब हम मिक्स करेंगे। बस कहती हूँ, इस तरह से नाश्ता बना देंगे तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। इस टॉपिंग हमारी रेडी है, अब इसको साइड में रख लेंगे। अब हम बेटर को चेक करेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बेटर चाहिए। थोड़ा सा नमक मिलाएंगे ताकि फीकी ना लगे। मिक्स कर लेंगे, अब बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस पर चलते हैं। गैस पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा भी हमारी गर्म हो गई है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को इस तरह से फैला लेंगे। अब बेटर को दोबारा से मिक्स करेंगे और 1 चम्मच भर के डालेंगे। अब इसको फैला लेंगे, इस तरह से पूरे में फैला लेंगे। अब इसको गैस का फ्लेम मीडियम करके ड्राई होने देंगे। देखिए, ऊपर से ड्राई हो गई है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और जब तक किनारे से छूट ना जाए तब तक हम पलटेंगे नहीं। देखिए, किनारे से छूटने लगा है। 1 चम्मच ऑयल इस तरह से फैला लेंगे, फिर हम पलट लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया कलर आ गई है। अब दूसरी साइड भी 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। गैस का फ्लेम फिर से मीडियम कर देंगे। जो अंडा रेडी करके रखे थे वो डालेंगे थोड़ा सा। अब इसको इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। अब हम पलट लेंगे। अब हम इस तरह से 2 मिनट पका लेंगे। देखिए अंडा कैसे फूल रही है। 2 मिनट हो गई है और जो स्टफिंग बनाई है वो स्टफिंग हम 1 चम्मच इस तरह से बीच में रख लेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से दबा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया नाश्ता बनी है हमारी। दबा के सेट करेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो सब खाने के लिए टूट पड़ेंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है। सुबह शाम कोई भी टाइम बना सकते हो, झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। इस तरह से अलट पलट के 2 मिनट और सेक लेंगे। कितनी बढ़िया बनी है। अब नाश्ता हमारी रेडी है, अब हम निकाल लेंगे और सभी को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए, नाश्ता हमारी रेडी है, खाने के लिए कितनी खूबसूरत बनी है। बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता है, मुँह में देते ही घुल जाए। इसको खाने के लिए आपको चटनी सॉस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लाजवाब नाश्ता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इसी नाश्ता को बनाना पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नई हो इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं। बाय।